यह कहानी भारत के भगोड़े मेहुल चौकसी की है, लेकिन हम 2011 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि 2011 इस कहानी में महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा 2011 में मुंबई में एक ऐसा एटीएम खोला गया था जिसमें लोग पैसा डालकर सोना चांदी के सिक्के और तमाम तरह के जवाहरात खरीद सकते थे। यह एटीएम भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहलाया। यह एटीएम फेल हो गया था और यहाँ पर कोई भी सोना या गहना खरीदने नहीं आया था। यह एटीएम हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने ही लगाया था और इन्हीं मेहुल चौकसी के अब भारत में वापस लाए जाने की बात हो रही है। मेहुल चौकसी की वापसी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह सामने आया है कि उसको लाने में वह वैक्सीन मदद कर सकती है जो हमने दूसरे देशों को भेजी है। इस पर केजरीवाल समेत सभी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों में भेज दी है और यहाँ अब लोग जान से मर रहे हैं। लेकिन यह वैक्सीन डिप्लोमेसी मेहुल की वापसी में मदद कर सकती है, कारगर साबित हो सकती है। आइए बताते हैं कैसे। मेहुल ने बहन, हम बात शुरू से करते हैं। मेहुल ने बहन के नाम पर एक कंपनी गीतांजलि बनाई और 2006 में आईपीओ में कदम रख दिया। इस आईपीओ से 330 करोड़ रुपए को इकट्ठा किया। 2008 में कैटरीना कैफ ने उनके हीरो का प्रचार किया तो एक साल में कंपनी की बिक्री 60% बढ़ गई। ये सारी कहानी जाननी जरूरी है। मेहुल कहां से कहां पहुंचे और अब कहां पहुंच गए हैं, इसको जानने के लिए इस कहानी से गुजरना जरूरी है। फिर 2018 आता है और 2018 में कंपनी के एक पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष श्रीवास्तव आरोप लगा देते हैं और कहते हैं कि गीतांजलि अपने ग्राहकों को नकली हीरे बेचती रही है। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। 2013 में जहां गीतांजलि का शेयर 600 रुपए में बिक रहा था, वहीं फरवरी 2018 में यह 33.80 रुपए पर आ गया। आप कल्पना नहीं कर सकते ये कितना बड़ा डाउनफॉल था। कंपनी एकदम से बर्बाद हो गई। पंजाब नेशनल बैंक का कथित घोटाला खुलने की भनक लगने से पहले ही वो प्रदेश की नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके थे। आप ये सच याद करिए, इसी समय पे ये बात सामने आई कि पंजाब नेशनल बैंक में मेहुल ने और नीरव ने मिलकर कितना बड़ा घोटाला किया है। मेहुल ने मुल्क भी ऐसा चुना था नागरिकता लेने के लिए जहां $1,00,000 निवेश करके नागरिकता मिल सकती थी। आज उसी मुल्क के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेहुल चौकसी हमारे लिए शर्म की बात हो गए हैं, हम उनको भारत को सौंप देना चाहते हैं। आपको याद होगा जनवरी 2018 में मेहुल चौकसी भारत छोड़कर चले गए और इसी महीने के आखिरी हफ्ते में पंजाब नेशनल बैंक ने मेहुल चौकसी, उसके भतीजे नीरव मोदी और अन्य साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी का एक केस दर्ज करा दिया। बैंक ने इन पर 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। 31 जनवरी की बात है, लेकिन 31 जनवरी आई तो सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था। 14 फरवरी को पीएनबी अपने अंतरिम जांच पूरी करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा। वहां बैंक ने बताया कि उनकी साउथ मुंबई की एक ब्रांच में 11,380 करोड़ रुपए के फर्जी और अनधिकृत लेन देन पाए गए हैं। यानी कि 280 करोड़ से मामला यहां तक पहुंच गया, लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका। 15 फरवरी को ईडी ने केस दर्ज कर लिया और 23 फरवरी को मुंबई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया। 2 महीने की जांच के भीतर घोटाले का अनुमान 13,578 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी बैंक शुरू में जिस घोटाले को 280 करोड़ रुपए मान रहा था, वह 2 महीने में ही 13,578 करोड़ रुपए का हो गया। इसके बाद मेहुल की तलाश शुरू हुई तो पता चला कि चौकसी तो पहले ही चौकस होकर देश से निकल चुके हैं। हैरानी तब हुई जब पता चला कि वो नवंबर 2017 में ही एंटीगा की नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके। एंटीगा एक देश है छोटा सा। 15 जनवरी 2018 को तो उन्हें एंटीगा की नागरिकता की शपथ भी दिलवा दी गई थी। एंटीगा की नागरिकता पाने के 4 तरीके हैं। पहला, आप एंटीगा के नेशनल डेवलपमेंट फंड में $1,00,000 दान कीजिए। दूसरा, आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में $1,50,000 दान कीजिए। तीसरा, सरकारी इजाजत वाले रियल एस्टेट में $2,00,000 इन्वेस्ट कीजिए। चौथा, नागरिकता पाने के लिए वहां का तय किया गया तरीका यह है कि किसी बिजनेस में $1,50,000 इन्वेस्ट कीजिए। यानी सीधी सी बात है, वहां पर पैसे देकर नागरिकता मिलती है और चौकसी साहब ने यही किया। एंटीगा का नागरिक एक साथ 2 नागरिकता रख सकता है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से एंटीगा दूसरे मुल्क को अपने किसी शख्स की नागरिकता को लेकर कोई सूचना नहीं देता है।
एंटीगा का पासपोर्ट दुनिया का 28वां सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, जिसके बूते आप 151 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, 200 के आसपास तो कुल मूल की है। अब यही चौकसी एंटीगा के लिए सिरदर्द बन गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि मेहुल की वापसी अब हो सकती है, क्योंकि एंटीगा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उसे भारत को सौंप दिया जाएगा। जबकि एंटीगा ने तो उन 47 देशों में शामिल है जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, और न ही उन 11 देशों में शामिल है जिनके साथ प्रत्यर्पण अरेंजमेंट है। दरअसल सितंबर 2019 की बात है, एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में जब एंटीगा के प्रधानमंत्री ब्राउन से पूछा गया मेहुल के बारे में, तो उन्होंने कहा, हमारी मेहुल को रखने की कोई इच्छा नहीं है, वे हमारे लिए किसी काम के नहीं है। लेकिन मेहुल के बारे में भारतीय अधिकारियों ने ही स्वीकृति दी थी कि वो अच्छे व्यक्ति है, भारत ने हमें गलत जानकारी दी और इसकी जिम्मेदारी भारतीय अधिकारी को लेनी होगी। हमने भारतीय अधिकारियों को दी गई जानकारी के आधार पर मेहुल को नागरिकता दी, अब वो कह रहे हैं कि मेहुल धोखेबाज है। यह बहुत बड़ा फैक्ट है जो वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत के लोगों ने ही, भारत के अधिकारियों ने हमारे उन्हें कहा था कि एक अच्छे आदमी है। अब मेहुल एंटीगा से भागकर डोमिनिका में पकड़ा गया है। अब डोमिनिका क्या है, ये भी एक देश है छोटा सा। अब भी ब्राउन ने कह दिया है, वहां पर गिरफ्तारी के बाद भी ब्राउन ने कह दिया है कि हमने डोमिनिका से कहा है कि वो गैर कानूनी रूप से घुसने के आरोप में चौकसी को पकड़े और भारत को सौंप दे, हम उन्हें नहीं चाहते। वहीं मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि डोमिनिका ने चौकसी को भारत प्रत्यर्पित करने पर सहमति जता दी है। लेकिन अभी भी एक सवाल पैदा होता है, और वह यह है कि क्या मेहुल को भारत लाया जा सकता है, इतना आसान है? इस बारे में बीबीसी ने वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राज कोल के साथ बात की है, और उन्होंने जो उनको कहा है वो हम आपको बता देते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट है, उसमें कोल साहब ने कहा है, हमें एंटीगा के पीएम ब्राउन की मंशा समझनी चाहिए, जो चौकसी को मुसीबत की तरह देखते हैं और चाहते हैं कि चौकसी एंटीगा वापस न आए। ब्राउन के मुताबिक डोमिनिका भी चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए राजी है। हाँ, कानूनी मसला जरूर आड़े आ सकता है, क्योंकि भारत और डोमिनिका के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। पर इस मामले में वैक्सीन डिप्लोमेसी का भी जिक्र आता है, जिसके बारे में एंटीगा के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछा जा चुके हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत डोमिनिका को कोविशील्ड की हजारों डोज मुहैया कराई थी। इसके बाद वहां के पीएम रूजवेल्ट ने भावुक होकर कहा था कि भारत ने उनकी गुहार सुनी है। इससे पहले 2011, 2015 और 2017 में भी भारत डोमिनिका को मानवीय आधार पर मदद कर चुका है। जाहिर है कि डोमिनिका इसे जहन में रखेगा, ये बात उसको याद रहेगी, याद होगी। यह भी याद रखना चाहिए कि मार्च 2021 में भारत ने एंटीगा को भी 40,000 वैक्सीन दी थी, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री ब्राउन ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। इस तरह से वैक्सीन डिप्लोमेसी भारत के काम आ सकती है, और मेहुल की वापसी भारत में हो सकती है। लेकिन एंटीगा के प्रधानमंत्री के इस बयान को नहीं भूलना चाहिए, जिसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा कि भारत के अधिकारियों ने मेहुल की तारीफ की थी, इसीलिए उसे एंटीगा की नागरिकता दी गई थी। इसलिए इसे कई दृष्टिकोणों से देखने की जरूरत है। मामला इतना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा है, लेकिन अगर मेहुल भारत आते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बड़े लोगों का पैसा उनसे नष्ट किया हुआ है।